मुझे वहाँ रहना है या चल देना है पता नहीं चल रहा था। देख देख कर एक बार खंकारा, वह खंकारना मेरे वहाँ उपस्थित होने की सूचना देना है। मैं जा रहा हूँ कह भी बतलाती है। बाहर आकर गेट बंद करके सड़क पार आ गया था। हेड के हृदय में क्या भाव है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। टेलीग्राम देने के लिए हेड कारणभूत हैं या मुझे यह सब पता नहीं चला। अंतिम दर्शन, यह बात सुनकर उनका हृदय मुझे ऐसा लगा, मैंने उनके दयायुक्त मनुष्य समझा, लेकिन फौरन हृदय में शूल चुभने जैसा भी लगा। तुम कैसे बेटे हो रे, माँ के गुजर जाने पर अंतिम दर्शन भी ना देकर परीक्षा के लिए रुक जा रहे हो, स्वार्थी कहीं के, कह डांटने जैसा भी लगा। मैंने सड़क पर से देखा कि गृहिणी जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पानी छिड़क रही थी, शायद हल्दी का पानी हो सकता है। मैंने गेट को खोला था, वह वहाँ भी पानी उड़ेलेगी या नहीं यह देखने के लिए वहीं खड़ा रहा। निराशा ही हाथ लगी, वह काफ़ी समय बीतने पर भी अंदर से बाहर नहीं आई थी। गेट पर हल्दी का पानी उसने नहीं डाला। वहाँ से मैं शास्त्री जी के घर गया। बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे व्यक्ति चलकर मेरे सामने आए। उस व्यक्ति का रंग ढंग मुझे अच्छा नहीं लगा। शरीर पर कमीज नहीं थी, नाक और होठों पर ढेर सारी सुंघनी लिपि पुती हुई थी, हाथ में भी पुरानी साड़ी का टुकड़ा उस सुगनी को साफ करने के लिए तैयार थी। मुझे बार ही रोक खड़ा रहने के लिए शायद नाक पोंछे बिना बाहर आ गए थे। घर में यह व्यक्ति इतना विकृत और भद्दापन लिए रहता है, सोच कुछ घृणा भी हुई। वही उस व्यक्ति की परिशुभ्रता हो सकती है। मैं यहाँ पर घृणा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी तकलीफ को बतलाने के लिए आया हूँ, टेलीग्राम के बारे में जानने के लिए आया था। यदि यही इसके कारण है तो उतनी आसानी से यह बात जानने देंगे या मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन वेदना की अग्नि से जाते जाते हुए हृदय वाला मैं चुप ना रह पाकर सांत्वना के लिए आया हूँ। शायद सांत्वना नहीं देंगे यह बात भी मुझे मालूम है। सब कुछ मालूम होना भी गलत ही है। इस कपाल में इतने सारे कीड़ों का होना भी अपराध ही है। मेरा वह एक अस्तित्व भस्म हो गया है, जो मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम है कहा। शास्त्री जी को प्रणाम और नमस्कार पसंद नहीं है, फिर भी मैंने उनका शुभ मान रखते हुए प्रणाम कहा। मेरा भाग्य चमक उठा। शास्त्री जी ने सर हिलाया, मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। इतने दुख में भी उनका सिर हिलाना मुझे अत्यधिक संतोष को प्रदान कर गया। मेरी माँ गुजर गई है, सुना है ना जाने कब सुना है, मेरी समझ में नहीं आया। कल परीक्षा लिखने के लिए रुक गया हूँ, मुझे अंतिम दर्शन भी लाभ्य नहीं है। पता है आप मेरे गुरुजी हैं, आपको मैं अपना कष्ट को बतलाने के लिए आया हूँ, सहानुभूति के लिए फौरन मैंने कहा, आपकी दया। तुम टेलीग्राम मंगवा कर अपनी सहानुभूति के लिए आकर अच्छे नंबर देकर मुझे पास करिए कह पूछने के लिए यह दया उपजने वाले बोल रहे हो, उन्होंने कहा। यह सुनते ही मेरा सर चकरा गया, रुलाई उमड़ रही थी, पर मैंने अपने आप को संभाला। मेरी समझ में यह नहीं आया कि मैं माँ गुजर गई है कह टेलीग्राम दिलवा कर सहानुभूति के लिए फिर रहा हूँ, कह उनका कहना मुझे बहुत बुरा लगा। इस प्रकार भी क्या समझा जा सकता है, मुझे आश्चर्य हुआ। क्या मैं इस टेलीग्राम को सहानुभूति के साधन के रूप में प्रयोग कर रहा हूँ, क्या पास करिए कह पूछने के लिए आया हूँ। मेरा तन बदन झुलस गया। शास्त्री कितना कठोर आदमी है यह भी पता है, और कितनी हानि मुझे पहुँचाने के लिए तैयार है वह भी मुझे पता है। मुझे नंबर देकर मुझे पास करिए कहने जितने हिम्मत है सर, मैंने कहा, और किसी से ना पूछ, क्या आपसे नंबरों को पूछ सकता हूँ सर, मैंने पूछा, तो फिर यह क्या है। सर इस टेलीग्राम को क्यों दिलवाया आपने, क्या कहा।